कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर इस वक्त हमारे साथ है, बात करेंगे। सर, जिस तरीके से कल बजट आया है, यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है कह सकते हैं, एक ऐतिहासिक बजट आया है कल, लेकिन फिर भी अपोजिशन कहीं ना कहीं इसको लेकर के नाखुश है। उनकी जो मांगे हैं छुट्टा पशुओं को लेकर के, वो भी अभी तक है, तो क्या लगता है यहाँ अभी कमी दिख रही है सरकार को? नहीं, छुट्टा पशुओं के इंतज़ाम के लिए भी बजट में हमने प्रावधान किया है। और देखिए, समाजवादी पार्टी और उनके साथी जो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं ना, उसका समर्थन उनके पार्टी के विधायक भी नहीं कर रहे हैं। कल जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का विषय विधानसभा में आया, तो आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी के 14 विधायकों को छोड़कर बाकी सारे विधायक भाजपा के लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में थे, मात्र 14 लोग खिलाफ में थे। तो कहीं ना कहीं जो प्रयास सरकार कर रही है उसकी स्वीकारता प्रतिपक्ष के अंदर भी है, उनकी मजबूरी है, उस पार्टी में है। लेकिन बहुत से लोग तो अब कहाँ खड़े हो गए। कल तो खुलेआम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के 5 बार कहने के बाद भी मात्र 14 विधायकों को आप छोड़ दें तो सरकार के प्रस्ताव के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक खड़े रहे। तो ये जो विरोध के लिए विरोध करने का जो समाजवादी पार्टी ने एक हमेशा से एक वो बना लिया है, उसका उसके पार्टी के अंदर भी विरोध है। बाकी जो बजट लाए हैं, आज देखिए ना, चारों तरफ उसकी प्रशंसा हो रही है, देश में उसकी प्रशंसा हो रही है। प्रशंसा जरूर हो रही है इस बजट की, क्या लगता है आज ओपोजिशन इस पे फिर हंगामा कर सकता है? ना, कोई मतलब नहीं है। अब ये है कि मुद्दा तो विपक्ष के पास कुछ है नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है, तो उसके पास बचता क्या है हंगामा के अलावा? अब ऐसे हंगामा करना चाहे वो करें, जनता पूरा तो देख रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे अनिल राजभर को, लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ, मैंने कहता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।